अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम कर चुके हैं, तो इससे आगे हम आज अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट लेंगे। अ फादर इज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज द सन 20 ईयर्स अप एगो। द एज ऑफ द फादर वॉज 12 टाइम्स द एज ऑफ द सन। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 32 ईयर्स, 45 ईयर्स, 22 ईयर्स और 44 ईयर्स। तो चलो इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं ताकि आप इसको समझ जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर टेस्टों में आते रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूँ, तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ द सन एक्स कर लेते हैं। फादर एज डबल है तो 2x हो जाएगा, 20 ईयर्स एगो कर लेते हैं। जो बच्चे का उम्र है, बेटे का उम्र, वो एक्स माइनस 20 हो जाएगा। वालिद का उम्र 2x माइनस 20। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वालिद का जो उम्र है 2x माइनस 20, ये हो जाएगा इक्वल टू यानी 12 टाइम द एज ऑफ द सन यानी x माइनस 20। तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 12x माइनस 240। और अगर इसको हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो इसको इधर लेकर आएं तो माइनस 2x माइनस 12x, और ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा माइनस 240 प्लस 20। तो इस तरह ये हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 22, x और 22 आ जाएगा, लेकिन फादर एज हमारे पास 2x है, तो 2x लिहाजा 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब हम सॉल्व करेंगे 57 नंबर। द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ अ नंबर इज 65, 85, 70, 90 एंड 105 इज। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, एवरेज निकालना है इनका। तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105, तो ये आपके पास 415 आ जाएगा। 415 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ार 41 इधर आ जाएगा, तो 15, 5 3 ज़ार 15, तो इस तरह 83 हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 57 भी कर चुके हैं, 58 की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर्स एंड दियर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 3:5:7। द एजेस इन ईयर्स ऑफ द ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज, उसका कितना है छोटे का सबसे। तो चलो इसको भी हमने सॉल्व किया है, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 58 को हम लिख चुके हैं। एवरेज एज जो है वो 15 ईयर्स है, तो फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, अगर इसमें आप रेशो देख लें 3:5:7, सम आप रेशो करें तो 3 + 5 + 7 आप करेंगे तो 15 आ जाएगा। और एजेस एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय का यहां पर अगर निकालना चाहें तो सबसे कम जो रेशो है यही छोटा होगा सबसे, तो इसको मुतलका रेशो 3 / 15 × 45 कहाँ से आया है ये भी आपको बता देते हैं। 15 3 = 45 3 3 = 9 ईयर्स। असल में एवरेज आपको एवरेज एज बताया था, तो एज एवरेज इक्वल टू यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड यानी बॉय उनकी जो एजेस है डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज आपको दिया है यानी 15 ये 3 यहां पर आएगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा 45, तो ये आपके पास टोटल उम्र जो है ना यानी इन सब की जो उम्र यहां पर मैंने 45 लिखा था, तो असल में ये इस तरीके से आता है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये था इसका जो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन था 9 ईयर्स, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, इफ द सम ऑफ नंबर इज 63 द नंबर्स आर डैश। तो चलो इसको भी हमने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 यानी गिवन रेशो आपके पास 3:4 है, सम ऑफ रेशो आप करेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। सम ऑफ द नंबर्स जो है वो 63 है आपके पास, तो अगर
फर्स्ट नंबर आप निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर मुतालका रेशो ये जो है 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 63 आप करेंगे तो 7 9 जार 63 3 9 जार 27 पहला नंबर ये आएगा और दूसरा नंबर सेकंड नंबर इस तरीके सेकंड नंबर इज इक्वल टू मुतालका रेशो 4 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे तो 4 9 जार 36 तो ये वो नंबर है 26 और 37 ये आपके पास इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट मैथमेटिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। 16 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज देन 32 मैन कैन डू द सेम जॉब इन डेज कितने दिनों में वो करेंगे 10 15 और 18 और 19 तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 को भी हम लिख चुके हैं आपके पास मेंस है और डेज है तो 16 मेन 20 दिनों में जो है वो काम करते हैं तो 32 आदमी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे एक्स है तो यहाँ पर ये आपके पास जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट है या इनवर्स है ये इनवर्स है क्योंकि बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन पर कम लगेंगे तो यहाँ पर हम 16:32 और यहाँ पर प्रोपोर्शन x:20 प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 32x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 20 एक्स इक्वल टू 32 पर डिवाइड करेंगे 16 1s और 16 2s और 2 10s तो लिहाजा हमारे पास 10 डेज आ जाएगा यहाँ पर 10 डेज मौजूद है हमारे पास यही जो है वो करेक्ट आंसर है और इस तरह मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी पेपर भी मैं अपलोड करूँ तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।